कारगिल का गौरवशाली इतिहास हो या -50 डिग्री सेल्सियस में शत्रुओं को रोकने वाले हथियार, आज जवानों का जज्बा और ताकत भारतीय सेना के मॉल में लगाई गई प्रदर्शनी में दिल्ली NCR के लोगों को देखने को मिली। इंद्रपुरम स्थित मॉल में सेना की ओर से गाजियाबाद में पहली बार युद्ध सैन्य सामग्री और विशेष तकनीक को लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया। इसमें न सिर्फ लोग कारगिल युद्ध की गौरवशाली बोफोर्स को पास से देखा, बल्कि इसके साथ सेल्फी और शॉर्ट वीडियो भी बनाई। लोगों ने प्रमुख हथियारों के साथ ली सेल्फी। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नो योर आर्मी के नाम से आयोजित कार्यक्रम में कर्नल शैलेंद्र और मेजर सोमवीर ऑपरेशनल कमान संभाली। सेना का विशेष आर्मी बैंड ने सुबह से रात 8 बजे तक अपनी विशेष प्रस्तुति दी, जिसमें देशभक्ति गीत से लेकर सेना की विशेष धुन बजाई गई। 10 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हो रखा है। ब्लास्ट हो जाने के बाद जैसे हमारे ट्रूप्स क्या रैकी करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे मान लिया कि मेरे पास ये होगा तो मैं क्या करूँगा, इसका ये बेसिक है, पर्सनल डोजीमीटर है, ये बेसिक है, तो इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट और अटैच करूँगा, फिर हम उस एरिया को डिटेक्ट करेंगे कि इस एरिया में भी कितनी रेडिएशन पर हावर से पास हो रही है। जो उसके लिए जैसे मान लिया हिरोशिमा नागासाकी में अभी तक भी गामा न्यूट्रॉन पास हो रही है, तो उसी को डिटेक्ट करता है, ये बताता है कि कितनी हावर पर रेडिएशन पर हावर जहाँ से पास हो रही है। जो उसके लिए ये पर्सनल डोजीमीटर बहुत टाइप है। मान लिया मैं कहीं से पेट्रोलिंग करके आया, बाहर से घूम के आया हूँ, तो ये मैं अपने कमांडर को दूंगा और मेरा कमांडर ये उस दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको, इस पर दो ग्लास आते हैं, फोटो लिमिनेंस ग्लास है, ये ग्लास को इंस्ट्रूमेंट में डाल के ये बता देगा कि अभी मेरे अंदर कितनी रेडिएशन पर हावर के हिसाब से मैंने ले ली है, कि अभी मैं कितना डिफेक्ट हो चुका हूँ ये न्यूक्लियर रेडिएशन के दौरान। इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ इंद्रपुरम में आर्म्स की एग्जीबिशन लगाई गई है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। दिल्ली के बाद गाजियाबाद सेकेंड शहर है देश में जहाँ ये एग्जीबिशन लगाई गई है, और उद्देश्य यही है कि लोगों को आर्मी की वर्किंग के बारे में, वेपन्स के बारे में जानकारी मिले, लोगों में उत्साह जागृत हो, और इनका एक यहाँ रिक्रूटमेंट का डेस्क भी इन्होंने खोला हुआ है, तो जो लोग आर्मी में आने के इच्छुक हैं वो भी यहाँ पे प्रक्रिया पूरी जान सकते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आने वाले सालों में भी प्रयास किया जाएगा कि इस तरह की एग्जीबिशन यहाँ दोबारा लगवाई जाए।